यार बद्रीनाथ बद्री इस गोना बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट बहुत मजा आया उस फिल्म में काम करके डायरेक्टर के साथ टाइम स्पेंड करके वरुण के साथ टाइम स्पेंड करके uh, मेरे मोस्ट ऑफ सीन वरुण के साथ ही हैं कोर्स आलिया को बहुत बार मिला फिल्म में लेकिन ये सब लोग बहुत हैप्पी बंच ऑफ पीपल एंड स्पेशली जहाँ पे uh, करण जौहर नाम का इंसान प्रोड्यूस करने के लिए वो फिल्म वहाँ हमेशा एक ना फन uh, एस्पेक्ट हमेशा रहता है आप कभी उनका शो देखेंगे या उनको मिलेंगे सो इज 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 वेरी फनी पर्सन एंड यू नो साथ में ही नोज कि एक, एक, एक फिल्म मेकिंग का जो पूरा एक एनवायरनमेंट है कैसे बिल्ड करके रखना पड़ता कर, करना होता है बिकॉज ही इज बिन मास्टर ऑफ दैट एंड तो वो जो उनका जो उनकी छवि है वो उनके पूरे की पूरी टीम में नजर आती है सो आई एम एक्सट्रीमली लकी टू हैीपल चाहे वो गेस्ट अपेरेंट्स है लेकिन इट्स गोना बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज वहां पे एक अलग तरीके का नज़रिया था फिल्म फिल्म मेकिंग को लेकर एक अलग तरीके का फन था और ऊपर से देखा जाए तो फिल्म के ट्रेलर को बहुत अच्छे तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं yeah. लोग गानों को बहुत लाइक कर रहे हैं वर्न वाले की केमिस्ट्री को लोग हमेशा से ही लाइक करते थे, थे बस लेकिन इस फिल्म को लेकर और ज्यादा लाइक कर रहे हैं सो एंड जब मेरे कैरेक्टर क्या, को देखेंगे फिल्म में से गेस्ट पेरेंट्स लेकिन आपको देखकर मज़ा आएगा कि यार सही है पार मतलब फनी बॉय सो उसके साथ साथ मेरी दाढ़ी नहीं है फिल्म में एक नए नए फेस के साथ एक नए अवतार में आ रहा हूँ सो so, मजा आया वो करके बहुत झांसी okay, में शूट किया हमने हमने एक बॉम्बे के पास ही एक रिजॉर्ट में शूट किया उसके अलावा ये हाईवे पे है पुणे बॉम्बे हाईवे पे उसके अलावा हमने सिंगापुर में शूट किया तो आई थिंक तीनों स्केट मिलाकर सबसे खाने को लेकर सबसे सही स्केट झांसी का था बहुत मजा है तुम खुद झांसी झांसी से हो वहाँ के समोसे वहाँ की बालूशाही वहाँ की जो गुजिया कह रहे हैं गुजिया बालूशाहीलमोस्ट एज इन सेम भाई बहन होते हैं गुजिया बहुत सही वहाँ की अच्छी लगी मिल्क केक बहुत अच्छा था एंड uh, उसके अलावा लाइक like, शशांक खेतान जो डायरेक्टर हैं उन्होंने स्पेशली मुझे बोला कि कहाँ से लेके आए मिल्क केक आया तो दोबारा से मंगवाया गया मिल्क केक एंड uh, खाने को लेकर झांसी परफेक्ट था एंड देन हम सिंगापुर गए ऑफकोर्स यू नो सभी ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स वहाँ पे थे तो वहां पर भी काफी फन हुआ okay, जब भुल, के, में uh, के साथ ही यार, हर एक अच्छे एक्टर के लिए अच्छे परफॉर्मर के लिए अच्छे आर्टिस्ट के लिए इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बींग अगर आप एक बहुत जो सक्सेसफुल यू नो जैसे आप बोलते हैं अगर आप अच्छे लेवल के सक्सेसफुल होना चाहते हैं उसके लिए कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है दैट इज द ओनली रीजन दैट वरुण हैज बीन एबल टू रीच दैट फा एंड ही इज गोना मेक इवन फर्दर इसके आगे और बहुत आगे निकलना बिकॉज ही सच अ नाइस सोल ही सच अ हैप्पी वार्म पॉजिटिव पर्सन एंड वो आई थिंक जो वैल्यू सिस्टम है डेविड सर ने दिया मैं उसका डेविड सर को बहुत बार मिला वरुण के घर पे डिनर के लिए भी डिनर के लिए भी गए मैं और आयुष भैया सो so, वो उनके घर में ऐसा माहौल है एंड लोग मुझे पहले कहते थे दैट यू हैव ब्रदर इन द इंडस्ट्री आयुष्मान खुराना नाउ एस आई हैव टू ब्रदर्स इन इंडस्ट्री वरुण धवन एज वेल बिकॉज उसने डेफिनेटली एज अ ब्रदर एक्वेजन दी हमेशा मुझे सो आई एम रियली हैप्पी टू टीम अपर नहीं मैं ज़्यादा स्पोर्ट्स अगर आप किस तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मे बी सम लाइक भाग मिलका भाग मे बी समथिंग लाइक पान सिंह तोमर मे बी समथिंग लाइक जो जीता वही सिकंदर नवाज भाई और विकी कौशल की एक फिल्म थी रमन राघव मे बी मे बी समथिंग लाइक दैट पार्ट ऑफ सम्री कंट्री कंट्री सर्टन पार्ट्स ऑफ आर कंट्री में ऐसी चीजें होती हैं तो बस वो रियल चीजें हैं रियल चीजें पसंद है एंड uh, उसके साथ साथ uh, बदलापुर उसके अलावा दमला के आई डोंट नो आपने फिल्म देखी कि नहीं तितली तितली बहुत प्यारी कनू uh, बहल मैं उनको मिला नहीं हूँ कभी डायरेक्टर हैं उस फिल्म के आई थिंक इज एन कमेंडेबल जॉब विद डैट फिल्म बहुत ही नेचुरल तरीके से शूट की गई है और दिल्ली को उस तरीके से दिखाया गया जिस कभी और किसी ने दिल्ली को वैसा नहीं दिखाया बट हैविंग सेट दैट अगर एक परफेक्ट मिक्सचर होता है कमर्शियल और रियल सिनेमा का लाइक like दंगल लाइक like बदलापुर like लाइक दमलाइशा वो एक परफेक्ट मिक्सचर होता है परफेक्ट बैलेंस होता है कि उसमें कमर्शियल वायबिलिटी भी है इन टर्म्स ऑफ सॉन्ग्स इन टर्म्स ऑफ यू नो कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कुछ डायलॉगबाजी ऐसी है उसके साथ साथ रियल चीज़ें भी हैं अगर परफेक्ट बैलेंस रहेगा उसका तो नथिंग लाइक इट फिर तो विन विन सिचुएशन है हर एक के लिए डायरेक्टर के लिए प्रोड्यूसर के लिए एक्टर के लिए हर एक के लिए ऑडियंस के लिए विन विन सिचुएशन है सो मे बी जो मैंने बाकी फिल्में गिनाई हैं वो uh, बदलापुर uh, या दमला के हिशा जैसे हाँ मतलब वो उतना कमर्शियल बैबिलिटी नहीं थी वो इसीलिए नहीं थी तो अगर दोनों का बैलेंस हुआ है तो नथिंग लाइक इट सो दैट द काइंड ऑफ सिनेमा आई वुड रियली वांट टू बी एसोसिएटेड विद जाएगा हंसल मेहता सर देन दिबाकर बैनर्जी शरद कटारिया कनू बैल नीना यादव अनुराग कश्यप ऑल दीज गाइज हैं जितने भी ये सारे के सारे बहुत सीनियर हैं एंड इनमें से इन जितने भी मैंने सात आठ नाम गिनाए हैं इनमें से अगर तीन के साथ भी मैं काम कर पाऊंगा थ्रू आउट माई करियर आई बी वेरी हैप्पी ओके और कुछ कहना चाहेंगे है यार बस ज्यादा से यही कहता, कहना चाहूंगा दैट आई होप यू यू विल विल एक्सेप्ट दिस न्यू विद ओपन आर्म्स एंड जिस तरह से आपने एक्सेप्ट किया है ओमकार को मेरे बाकी सारी चीजों को भी बाकी सारे कैरेक्टर्स को बाकी सारे शोज को बाकी सारे जो कुछ मैं करूंगा uh, अब से लेकर आगे तक जिंदगी में प्लीज कीप ऑन showering your love and uh, um, keep tolerating me <laughs> thank you so much cheers man thank you so much thank you so much